हम पिछली क्लास में हमारा जो उससे पहले वाला जो क्लास हुई थी उसमें हम पार्ट छः हमारा शुरू कर चुके थे, बीज बना पौधा। मैंने आपको इस चैप्टर में बताया था कि हमारे आसपास जितने भी प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं वो अपना जैसा नया पौधा तैयार करते हैं, उन पौधों से नए पौधे बनते हैं ना। और इन पौधों से नए पौधे बनने के लिए क्या किसकी जरूरत होती है? बीजों की। जो पौधे होते हैं नए पौधे किससे बनते हैं? बीजों से। लेकिन कई बार कई पौधे ऐसे होते हैं जिनमें बीजों की जरूरत होती नहीं होती नए पौधे होने के लिए, उनमें जड़ निकाल नीचे से जड़ को निकाल के कुछ पौधे होते हैं जिनके तने तने से भी नया पौधा तैयार हो जाता है, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके पत्तियों से भी नया पौधा तैयार हो जाता है। तो जब भी वैसे अधिकतर पौधों में तो बीजों से ही नया पौधा तैयार होता है, ज़्यादातर जो है पेड़ पौधे हैं उनको नए पौधे बनाने के लिए उनको बीजों की जरूरत होती है। लेकिन कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जैसे गुलाब हो गया, आलू हो गया है ना, चमेली हो गया, गन्ना हो गया, पुदीना हो गया, इनमें बीज की जरूरत नहीं होती, इनमें बीजों की इसमें पौधे का जो दूसरे भाग होते हैं जड़ या तना, इनसे भी नए पौधे उगाए जा सकते हैं, नए पौधे बनाए जा सकते हैं। तो आप इस चैप्टर में हमने शुरू किया था। अब आज हम इसका एक टॉपिक क्लियर करने वाले हैं, बीज का अंकुरण। कि बीज से आपको ये तो पता चल गया कि बीज से नए पौधे उगते हैं, लेकिन बीजों जो बीज होते हैं उनका अंकुरण कैसे होता है ये इस चैप्टर में अब हम आज के टॉपिक में पढ़ेंगे। देखा बच्चों आपने कई बार आपकी मम्मी को देखा अपने घर के अंदर स्प्राउट्स जो बनाती है मूंग की मोठ की, बचपारस होती है ना, तब मम्मी घर में क्या करती है मूंग और मोठ को भिगा देती है पानी में, फिर उसको आप पानी से निकाल करके गीले कपड़े में बांध देते हैं तो उसमें से छोटे छोटे धागे जैसे निकल जाते हैं बीजों में से। तो वो धागे क्या होते हैं? वो अंकुर होते हैं। उनको अगर हम उगाएंगे जमीन में गाड़ देंगे तो उससे नया पौधा निकल आएगा। तो ये होता है बीजों का अंकुरण। उसको पढ़ लेते हैं पहले। बच्चारस जो वत्स द्वादशी होती है राजस्थान में मनाई जाती है, अगस्त के महीने में आएगी। देखना ये त्यौहार पर बुड्ढे की माँ ने मूंग मोठ और चने को भिगो दिया, फिर उन्हें एक सूती कपड़े में बांध दिया। दूसरे दिन सुबह जब हुई तो पूजा के लिए मूंग मोठ चने के दानों को निकाला तो देखा कि उन बीजों में से सफ़ेद रंग के धागे जैसे जैसे ये चना का पौधा होता है, चना होता है, उसको जब हम भिगा देते हैं पानी में तो उसमें से एक धागे जैसा अंकुर जैसा निकल आता है। इस तरह से है ना, तो इस तरह के अंकुर जैसे बीजों में से धागे जैसे सफेद रंग के धागे जैसे निकल आए थे। ये पौधे सफेद रंग के धागे क्या है? ये अंकुर है, ये उस बीज का अंकुर निकल आया है जिससे नया पौधा बन जाएगा। माँ मूंग के अंदर ही सफेद रंग के धागे जैसे क्या हैं? क्या होते हैं वो सफेद रंग के धागे? वो होते हैं पौधे के अंकुर। इस तरह से बीज में से अंकुर जो निकलना होता है उसी को कहते हैं अंकुरण। आपको अगर पूछा जाए कि अंकुरण क्या होता है तो आप कहोगे बीजों में से अंकुर का निकलना, बीजों में से नए पौधा बनने के लिए अंकुर का निकलना अंकुरण कहलाता है। समझ में आ गया? अब आप खुद भी प्रयोग कर सकते हैं। आप अपने बीज लीजिए, कुछ भी उनको भिगो दीजिए, उसके बाद में उनको निकाल के गीले कपड़े में अगर बांधोगे तो 2 दिन बाद में उसमें से धागे जैसे निकलने लगेंगे, अंकुर निकलने लगेंगे। क्या निकलने लगेंगे? अंकुर। तो इस तरह से बीजों से अंकुर का निकलना क्या कहलाता है? अंकुरण। इस अब ये अंकुरण किस कारण हुआ, किस किस चीज़ों की जरूरत होती है अंकुरण के लिए? सबसे पहले तो पानी की। अगर हम बीजों को पानी में नहीं भिगाएंगे तो अंकुरण होगा क्या? ऐसे भी तो डिब्बे में बीज बड़े पड़े रहते हैं दाने वगैरह, तो उनमें से अंकुर निकलता है नहीं। जब बीज को क्या मिलता है? पानी। क्या मिलता है? पानी, तो अंकुर होता है। तो अंकुरण के लिए क्या क्या चाहिए? पहला तो पानी चाहिए, फिर हमको चाहिए हवा, और तीसरा चाहिए सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश, ये तीनों चीज़ें अगर बीज को मिलती है तो ही बीज में से अंकुरण हो पाता है। बीज को अंकुरण के लिए किस किस चीज़ की जरूरत होती है? पानी, हवा और सूर्य का प्रकाश। समझ में आया? नवरात्रि के दिन
दिनों में भी आपने देखा होगा नवरात्रि होते हैं ना, तो घर के अंदर ज्वारे जौ उगाए जाते हैं ना, मंदिरों में घरों में ज्वारे उगाते हुए देखे आपने। इसमें एक मिट्टी ली जाती है, छोटे से मिट्टी के बर्तन में मिट्टी भरी जाती है, फिर उसमें बीज डाले जाते हैं और पानी डाला जाता है। उसके बाद में एक दो दिन बाद में उसमें से अंकुर निकलने लग जाते हैं और धीरे धीरे वो अंकुर छोटे छोटे पौधों का रूप ले लेते हैं। तो इस तरह से अंकुरण होता है। इसके अलावा आपने बरसात के दिनों में देखना कि जो आलू होते हैं उनमें से भी अंकुर अपने आप ही निकलने लग जाते हैं। अगर उन अंकुर को हम निकाल के उस एरिए को निकाल के जमीन में दबा दें तो क्या होगा, थोड़े दिनों में एक आलू का छोटा सा पौधा उसमें से निकल आएगा। लेकिन इस आलू के पौधे में अंकुरण के लिए क्या बीज से नया पौधा बना? नहीं, इसमें आलू से ही बिना बीज के ही आलू, आलू खुद क्या है, तना है आलू। आलू क्या होता है, आलू पौधे का तना होता है। कौन सा भाग होता है, तना। तो इसमें अंकुरण आलू के बीज, आलू का जो पौधा है वो उसमें अंकुरण तो हुआ लेकिन कौन से भाग से हुआ, तने से। और मूंग मोठ चना उसमें अंकुरण कौन से भाग से हुआ, बीज से। तो बीजों से भी अंकुरण होता है, तने से भी अंकुरण हो सकता है। समझ में आ गया। इसके अलावा मनी प्लांट जो होता है, मनी प्लांट में बीज नहीं होता, फूल नहीं होता, फल नहीं होता, उसकी अगर आप एक टहनी तोड़ेंगे और उसको एक गमले में उगा देंगे, थोड़े दिनों बाद देखेंगे कि वो टहनी बड़ी होगी, उसमें से और भी टहनी निकल आएगी। तो ये मनी प्लांट का पौधा भी नया पौधा किससे बनता है, तने से। उसकी भी टहनी तोड़ के उगा देते तो उग जाता है। तो ये टहनी से तने से उगता है, आलू में तने से, मनी प्लांट में तने से। पुदीना जो है, पुदीने का पौधा है, इसमें भी बीज नहीं होते। अगर आपको अपने घर के अंदर पुदीने का पौधा लगाना है तो पुदीने के पौधे को जड़ में से एक टुकड़ा आप निकालिए, जड़ समेत, जड़ के साथ एक छोटा सा टुकड़ा आप निकालेंगे और गमले में उगाएंगे और पानी देंगे ना, तो एक नया पौधा पुदीने का तैयार हो जाएगा। तो पुदीने का नया पौधा किससे बना, जड़ से। गुलाब, गुलाब का अंकुरण, गुलाब में नया पौधा किससे बनता है, तने से। उसकी भी टहनी तोड़ के उगल जाती है, टहनी को तोड़ के आप काट के और गमले में उगाएंगे तो नया पौधा तैयार हो जाएगा। चमेली, चमेली में भी टहनी का ही यूज होता है नया पौधा बनाने के लिए। टहनी को काटा जाता है और उसके बाद में नए गमले में, दूसरे गमले या मिट्टी में आप उसको उगा देंगे तो उससे नया पौधा बन जाएगा। पत्थर चट्टा, पत्थर चट्टा या ब्रायोफिलियम स्पेंडेशन होते हैं, इसमें है ना ऐसी पत्ती होती है, इसके किनारों पे यहाँ से अंकुर निकले होते हैं, नए पौधे निकले होते हैं। उस पौधे को आप निकालिए, जमीन में उगाइए तो नया पत्थर चट्टे का पौधा उग जाएगा। तो पत्थर चट्टे में अंकुरण किससे हुआ, पत्ती से। तो इस तरह से पौधे के विभिन्न भागों से नए पौधे तैयार किए जा सकते हैं। समझ में आ गया। अब आज का टॉपिक ये फिनिश हो गया, बीज का अंकुरण, बीजों में अंकुरण किस प्रकार होता है, या नए पौधे बनाने के लिए पौधे के कौन कौन से भागों को हम काम में ले सकते हैं नया पौधा बनाने के लिए। अब इस चैप्टर का अगला टॉपिक है बीज का इधर उधर फैलना और विदेश से आए पौधे। ये दो टॉपिक हम हमारी अगली क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी आपको एग्जाम की तैयारी भी करनी है। पार्ट एक, दो और तीन, ये तीन पार्ट आपके एग्जाम में आ रहे हैं, तो आप उन तीनों पार्टों को अच्छे से याद करेंगे। ओके, थैंक यू।